बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा दम पोक, वो भी बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। आपने तीन चार आलू ले लेने हैं, उनको काट कर नीचे रख लें। उनके नीचे चर्बी की एक तह बिछा दें, उसमें आप गोश्त उसके ऊपर रखें, उसमें ज़ीरा हो गया, हस्बे ज़ायका, काली मिर्च, नमक, धनिया ऐड कर लें और आलू के ऊपर आप फिर गोश्त की एक तह बना लें। उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, ये चीज़ें आप शामिल कर लें और आटे से अच्छी तरह ढक्कन वाली जगह को ढांप लें या लगा लें बंद करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर से गैस वगैरह हवा लीक ना हो। तो उसके बाद आप इसको चूल्हे पे चढ़ा लें। आँच हल्की होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लेम आपका तेज़ होगा तो जल जाएगा ये नीचे से। तो 3 घंटे के बाद आपको मज़ेदार और खुशबूदार दम पोख तैयार है। माशाल्लाह, आप भी खिलाएं, खाएं और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ खिलवाएं।